नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। इसराइल का ये खिलाफ पीछे चलो, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, लब्बैक लब्बैक రాయపండి, వాళ్ళు ప్రెస్ మీట్ ఇచ్చుకుంటారు, పోలీస్ పర్సనల్ ఎంకరేజ్ చేయండి, ఆగిపండి. इसराइल के ऐवानों में आग लगा दो, आग लगा दो, इसराइल के ऐवानों में आग लगा दो, आग लगा दो। नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलस्तीन जहां 1918 में सिर्फ 15,000 यहूदी थे, 6,00,000 फलस्तीनी मुसलमान थे, दूसरे जंग अजीम के बाद जो हिटलर इनको मार मार के चंद यहूदियों को छोड़ा था, तो यूरोप में कोई भी जगह नहीं दी उनको, ना अमेरिका, ना यूरोप, ना ऑस्ट्रेलिया, कई जगह नहीं मिली। तो ये लोग बड़े जहाज पे एक बैनर लगा के हमको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, मार दिया गया, और आप लोग हमको ना उम्मीद मत करो, हमको जगह दियो बोल के फलस्तीन आए। तो उनको वहाँ पर मुसलमान रहने के लिए जगह दिए, लेकिन वो जगह लेने के बाद से 1948 में अमरीका और जो है सो बर्तानिया मिल के इसराइल एक देश ही बना दिया वहाँ पर मुसलमानों की, अरबों की ज़मीन पर। उसके बाद से आज तक 72 साल से इसराइल मुसलमानों पर ऐसा जुल्म करते आ रहा है, मासूम बच्चों को, औरतों का कत्लेआम करता आ रहा है, लेकिन यूएनओ अंधा हो गया, यूएनओ को नजर नहीं आता। और इतने नाम नेहाद मुमालिक है जो कुत्ता अगर उसको मारे तो जो सो उन लोग जो सो न्यूज़ में बताते करते, लेकिन हजारों मुसलमानों का, मुस्लिम औरतों का कत्लेआम हो रहा, लेकिन यूरोप पूरा खामोश बैठे हुआ है। और दहशतगर्द इसराइल, टेररिस्ट इसराइल की ताईद में उतर आए हैं। और हम मुस्लिम ममालिक से भी कह रहे हैं कि इसराइल फलस्तीन, इसराइल को जो है सो नसीब नाबूद करे और फलस्तीनी मुसलमानों की मदद को आगे आए। और हम ये प्रोटेस्ट फलस्तीन की ताईद में कर रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट हो, बीजेपी की गवर्नमेंट, वाजपेयी खुद भी जो है सो फलस्तीन की ताईद में इससे पहले बयान दिए थे, अरबों की ज़मीन है, अरबों को मिलना चाहिए। इसराइल दहशतगर्दी कर रहा और दुनिया के सारे मुसलमान भी फलस्तीन के साथ हैं, लेकिन इसराइल को जवाबदेह बनाना चाहिए। यूएनओ हर कोई दबाव डालकर उसके जुल्म को ख़त्म करने की कोशिश करना चाहिए ऐसा। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इसराइल को नसीब व नाबूद कर दे, और जो मुजाहिदीन नहते मुजाहिद हैं अल्लाह उनको कामयाबी अता फरमा। फलस्तीन से जो हमारा रिश्ता है उसकी असल वजह यह है कि वो अम्बिया अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। वहाँ पे सैकड़ों अम्बिया आए और आज फलस्तीन के मुसलमान मुजाहिदीन उसकी बाज़ाबकारी के लिए, मस्जिद अक्सा को अपने पूरे कंट्रोल में लेने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जो नाजायज़ तौर पर इसराइल यहूदी दहशतगर्द इसराइल दहशतगर्दी कर रहा है और फलस्तीन के मुसलमानों को उनकी ज़मीन हत्या कर उनको ख़त्ल व गारतगिरी कर रहा है। और चंद दिन से हम देख रहे हैं वो ख़त्ल व गारतगिरी की इंतहा पार कर गया।
क्या कसूर था फलस्तीनियों का? यही कसूर था कि बेघर लोगों को थोड़ी सी जगह दी, और आज सारा का सारा फलस्तीन हत्याने की कोशिश कर रहा है, जिसकी मजाहमत में लोग सड़कों पर उतरे, यहूदियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करे, तो अफसोस है उसको दुनिया दहशतगर्दी के नाम से पुकार रही है। असल दहशतगर्द इसराइल है, असल दहशतगर्दी इसराइल मचा रखा है, और इंतहा यह तक कर दिया कि जहाँ पर इलाज कर रहा है मासूम बच्चों का, औरतों का, बूढ़ों का, जवानों का जो जख्मी हुए इसकी बम्बारी में, तो उस दवाखाने पर अटैक कर दिया। उसके बावजूद अफसोस है कि सारे लोग खामोश बैठे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि चंद लोग उसकी मजाहमत में आज भी आगे आ रहे हैं और इसराइल की दहशतगर्दी को दहशतगर्दी कर रहे हैं और मुसलमानों की हिमायत में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला दोबारा अंबिया अलैहिस्सलाम की सरजमीन को आज़ाद करा दे, हमसे वो काम ले ले और यहूदियों को नस्तो नाबूद कर दे, और जो यहूदियों की हिमायत में उठ खड़े हैं अल्लाह उनको भी नस्तो नाबूद कर दे। आमीन। शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। आज का हमारा प्रोटेस्ट इसराइल के खिलाफ, क्योंकि इसराइल की जो बर्बरियत है फ़लस्तीन में, जो मुसलमानों को निहत्ता करके, पानी से रोक के, गजा से रोक के, बमबारी करके जो मुसलमानों को शहीद कर रहे हैं, और दवाखाने पे जो हमला किए हैं, उसके खिलाफ आज जैसे दर्जगाह जहाद और शहादत आज प्रोटेस्ट करने वाली है। इंशाल्लाह ताला अभी 5 मिनट के बाद प्रोटेस्ट होगा। ये जो जुल्म कर रहा है अमरीका मिल के, जो इसके खिलाफ मुसलमान जैसे सारी दुनिया के मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं, और हिंदुस्तान में भी कई जगह एहतजाज हुआ, और दर्जगाह जहाद और शहादत भी आज जुमा से पहले इंशाअल्लाह ताला प्रोटेस्ट करेंगी यहाँ पर, और इसको जो है सो इसके जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएंगी, और इसको जो कंडम करेंगे हम, इसराइल के जो बर्बरियत है उसको कंडम करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और जैसे जब ज़रूरत पड़ी तो हम जैसे सारे लोगों से बात करेंगे, बात करके जैसे सारे हिंदुस्तान में जैसे इसको प्रोटेस्ट करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला।